हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। आज इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सहायक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? जो बल्ब का ये फिलामेंट होता है जो आपको फिगर में दिखाया गया है, वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा का, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी तांबा का। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन होगा। ठीक है, अब टंगस्टन का उपयोग हम लोग फिलामेंट बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है ऊंच होता है, ये कम ताप पे नहीं गलता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग फिलामेंट बनाने में करते हैं। इसका गलनांक लगभग 3900 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी पारा को, ऑप्शन नंबर सी सोना को और ऑप्शन नंबर डी तांबा को। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोडियम होगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जैसे ही मिट्टी के तेल से बाहर उसको निकाला जाता है, ऑटोमेटिक उसमें आग पकड़ लेता है। और इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? सोडियम ही होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हवा की गति किससे मापी जाती है? जी हाँ दोस्तों, हवा की गति किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर से, ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी थर्मामीटर से। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनीमोमीटर होगा। क्वेश्चन के राइट साइड में आप लोगों को एनीमोमीटर दिखाया गया है। इसका जो पंखी होता है वो हवा के कारण घूमता है, जिससे हमें इस हवा की गति आसानी से पता चल जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी एवोगाड्रो परिकल्पना, ऑप्शन नंबर सी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात अगर की जाए तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का फिगर बगल में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पाइरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाइरोमीटर होगा, जो कि फिगर में दिखाया गया है। पाइरोमीटर सूर्य के विकिरण को रीड करके सूर्य का तापमान बता सकता है। ठीक है, तो इसका और पाइरोमीटर का जो उपयोग है हम लोग अधिक से अधिक तापमान मापने के लिए करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, यकृत डैश कार्य करता है? जी हाँ, यकृत क्या काम करता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन करता है, ऑप्शन नंबर बी की उत्सर्जन करता है, ऑप्शन नंबर सी की पाचन करता है, ऑप्शन नंबर डी की परिसंचरण करता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाचन करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पाचन करता है। लीवर का फिगर बगल में दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है? जी हाँ दोस्तों, रक्तदाब का मतलब यानी कि ब्लड प्रेशर। तो रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्फिग्मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर और ऑप्शन नंबर डी पाइरोमीटर। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सी स्फिग्मैनोमीटर होता है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस तरह का डिवाइस यंत्र आपको देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा होगा। ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है पर श्वसन करता है, जो बगल फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? जी हाँ दोस्तों, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी लोहा का, ऑप्शन नंबर सी सोना का, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट का।
तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोहा का होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है, जो साबूदाना होता है वो किससे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पाइनस से, ऑप्शन नंबर डी सेड्रस से, ऑप्शन नंबर सी जूनिपेरस से, ऑप्शन नंबर डी साइकस से। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी साइकस होगा। ये जो फोटो में दिख रहा है यही साइकस है जिसे साबूदाना बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निद्रा रोग का वाहक कौन है, निद्रा रोग का वाहक कौन है। ऑप्शन नंबर ए बालू मक्खी, ऑप्शन नंबर बी मदा मक्खी, ऑप्शन नंबर सी सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीसी मक्खी है। ठीक है, सीसी मक्खी को बगल में दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, भारी जल का अणुभार कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 26, ऑप्शन नंबर डी 20। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 होगा। भारी जल का उपयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं और इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 400 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 600 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 300 ग्राम। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 300 ग्राम होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रक्त जमता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी रक्त जम जाता है, ऑप्शन नंबर सी खून लाल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रक्त जमता नहीं है, यानी कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो खून होता है उसमें थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है क्योंकि यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन की रानी को हुआ था, इसलिए इस रोग को शाही रोग कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज किसके काटने से होता है। रेबीज किसके काटने से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सियार, ऑप्शन नंबर सी सांप, ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुत्ता के काटने से होता है जिसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन 14, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 238, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी टेकोफिराल, ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी साइनोकोबालमिन। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।